सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन ड्रग्स केस के चलते जेल में है। 3 हफ्तों से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन की जमानत याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। खबर है कि शाहरुख खान के लाडले जेल में काफी परेशान हैं और किंग खान जब मुलाकात के लिए जेल गए थे तो आर्यन पूरे समय सिर्फ रो रहे थे। वहीं आर्थर रोड जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन जेल में लाइब्रेरी की किताबें पढ़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यहाँ से 2 किताबें ली हैं, जिनमें पहली है गोल्डन लायन और दूसरी किताब है भगवान राम और सीता की कहानियों पर जो बेस्ड है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन रोज जेल में होने वाली संध्या आरती में शामिल होते हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए जेल कर्मचारियों ने आर्यन को सुझाव दिया कि वो लाइब्रेरी से अपनी पसंद की किताबें पढ़कर समय गुजार सकते हैं। जेल की लाइब्रेरी में कई धार्मिक और मोटिवेशनल किताबें मौजूद हैं। आर्यन ने जेल की लाइब्रेरी से 2 किताबें ली हैं। वो पिछले 2 दिनों में भगवान राम और सीता पर लिखी किताबें पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आर्यन खान ने द लायंस गेट नाम की किताब पढ़ी थी। जेल प्रशासन के मुताबिक अगर कोई कैदी चाहे तो अपने रिश्तेदारों से अपनी पसंद की किताबें मंगवा सकता है, लेकिन सिर्फ धार्मिक किताबों की ही उन्हें इजाज़त होगी। इसके अलावा अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकलते समय किताब छोड़ देता है तो उसे भी जेल की लाइब्रेरी में शामिल कर लिया जाता है। इससे पहले बुधवार को विशेष अदालत ने ड्रग्स मामले में आर्यन और 2 अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आर्यन खान की जमानत खारिज होने पर NDPS अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। जी आप 26 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है, तो क्या कहना है आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।